छत्तीसगढ़ में बंद विभिन्न ट्रेनों को प्रारंभ कराने के साथ भाटापारा स्टेशन में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सतीश अग्रवाल के नेतृत्व में स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, एक माह के लिए बंद की गई 22 ट्रेनों की वजह से ट्रेन में सफर करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के निगम मंडल सदस्य सतीश अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेसी जनों ने मंडल रेल प्रबंधक के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेशन मैनेजर अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा है। उक्त अवसर पर कांग्रेसियों ने 2 अलग-अलग मांग पत्र सौंपकर यह मांग की है कि अक्ति का त्योहार में शादी का सीजन है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ता व सुविधाजनक साधन एकमात्र ट्रेन है। एक साथ 22 ट्रेनों का संचालन एक माह के लिए स्थगित किए जाने से अंचल संहिता छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसे जल्द प्रारंभ किया जाए। वहीं एक अन्य ज्ञापन में कांग्रेसजनों ने स्थानीय स्टेशन में शेड का विस्तार करने, फुट ओवरब्रिज बनाने, प्रतीक्षालय बनाने, MST धारी यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बैठने की पात्रता देने सहित कोच डिस्प्ले को यथाशीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। आज कांग्रेस जनों के द्वारा यहां भाटापारा रेलवे स्टेशन में जो असुविधाएं हैं, सुविधाओं से जो दूर हो गया है हमारा भाटापारा, उसके लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले जो 22 ट्रेन इस डिवीजन से गुजरती थी, उसे बंद कर दिया गया है तत्काल 1 महीने के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन जो बंद है, उसे चालू करने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन उसे चालू करना तो बंद दूर की बात है। अभी 22 ट्रेनों को यहाँ पे जो निरस्त किया गया है 1 महीने के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग उसमें रिजर्वेशन करा चुके हैं, लोग आज बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। आज अक्ति का अवसर है छत्तीसगढ़ में, इस अवसर पर शादी ब्याह बहुत संख्या में ग्रामीण अंचल में, शहर अंचल में होता है, और लोग भटक रहे हैं आने जाने के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए रेलवे बहुत अच्छा सुगम साधन होता है, लेकिन उसकी सुविधा ये सरकार लोगों को मुहिम नहीं करा पा रही है, जिससे आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। साथ ही भाटापारा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है इस डिवीजन का, बहुत ही आय यहाँ से होती है, बहुत लोगों का आवाजाही यहाँ से होती है, गुड सेट से बहुत बड़ी इनकम है, रेक पॉइंट से भी बड़ी इनकम है, लेकिन उसके तुलना में यहाँ पे कोई भी सुविधा पिछले 5-7 सालों से यहाँ भाटापारा स्टेशन को नहीं मिली है। यहाँ ना प्रतीक्षालय है ढंग का, ना एक्सीलेटर जो प्रारंभ होना था कई साल से ऐसे ही लंबित पड़ा हुआ है, डिस्प्ले जो होना चाहिए कोच का वो चालू नहीं है, लोग भटकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, हटकते रहते हैं, दूसरे बोगी में चढ़ते हैं, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन कई साल से ये डिस्प्ले बंद है, कई बार शिकायत कर दिए गए हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी असुविधाओं को लिख कर दिया गया है, जिसे तत्काल यदि निराकरण रेलवे के अधिकारी नहीं करते हैं, जो कि नींद में सो रहे हैं, अंधेरे में सो रहे हैं, लोगों की परेशानियों से अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को जगाने के लिए कांग्रेस जन आज ज्ञापन सौंपे हैं। और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप यहाँ भाटापारा मिलेगा। आज का ज्ञापन, ये रेलवे की जो मनमानी चल रही है और दादागिरी चल रही है, इससे आम जनता पूरी तरह से बुरी तरह से। और बताओ, 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और पैसेंजर इधर से उधर बेवजह भटक रहे हैं। इनकी ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है, प्राइवेट हाथों में सब गवर्नमेंट रेलवे को बेच की दी है, जिससे आम पब्लिक परेशान है। और हमारे प्लेटफार्म भाटापारा में भी रेलवे में बहुत सारी असुविधाएं हैं, उनके लिए भी हमने यहाँ के मुख्य अपने रेलवे वालों को दिया है ज्ञापन, और उन्होंने आश्वासन दिया है। और भविष्य में अगर इसका 5-7 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं की गई, इसको नहीं ठीक किया गया, तो कांग्रेस जनों के द्वारा रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया जाएगा।